तो दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट से एक नया स्मार्टफोन परचेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो फिलहाल फ्लिपकार्ट पे एक नई इंडिपेंडेंट डे सेल फिर से आ चुकी है, जो कि आज के सीडियो को बताने वाला हूं। यहां पर इस सेल का नाम है फ्लिपकार्ट बिग बजट धमाल सेल, जो कि आपको यहां पर 11 से लेकर के 13 अगस्त तक देखने को मिलने वाली है। इस सेल में क्या स्मार्टफोन ऑफर है, कौन कौन से स्मार्टफोन आपको लेने चाहिए और यहाँ पर क्या कुछ डिस्काउंट है, ये आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लिपकार्ट बिग बजट धमाल सेल के बारे में, तो 11 से लेकर के 13 अगस्त तक ये सेल चलने वाली है, यानी कल से ये सेल लाइव हो जाएगी। आपको अप टू 80% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगर हम बात कर लें कार्ड के बारे में, तो यहाँ पर आपको यस बैंक का कार्ड, साथ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कार्ड, तो इन बैंक के कार्ड पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। साथ में अगर बात करें कुछ स्मार्टफोन डील्स के बारे में, तो यहाँ पर स्मार्टफोन डील्स आपको काफी सारी देखने को मिले जिसपे आपको डिस्काउंट देखने को मिला, लेकिन कुछ खास ज्यादा डिस्काउंट इस सेल में नहीं है। अगर बात कर लें कुछ डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में, रियलमी 11 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन पे कोई डिस्काउंट नहीं है, 26,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है। रेडमी नोट 12 प्रो 5G जो स्मार्टफोन है वो 19,500 रुपए की प्राइस पॉइंट पर है। गूगल पिक्सल 6 जो स्मार्टफोन है वो 24,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है। साथ में अगर बात करें आईफोन्स के बारे में, तो आईफोन्स पे भी आपको उतना ज्यादा डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा है। आईफोन 14 प्लस जो स्मार्टफोन है वो 69,499 रुपीज का देखने को मिल रहा है। साथ में आईफोन 11 जो है वो यहाँ पर 38,999 का देखने को मिल रहा है। आईफोन 14 जो है वो फिलहाल यहाँ पर आपको 10,334 रुपए के मंथली ईएमआई के साथ में देखने को मिला है। साथ में इस स्मार्टफोन पे 3,000 रुपए का एक्सचेंज है। तो आईफोन्स आप इस सेल में ना परचेस करें, आईफोन्स के लिए अगली सेल के लिए स्टे ट्यून करना। अगर बात कर लें कुछ और स्मार्टफोन डील्स के बारे में, वीवो T2 5G जो स्मार्टफोन है वो आपको 17,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल रहा है। Redmi Note 12 Pro Plus जो स्मार्टफोन है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। साथ में मैंने आपको बता दिया कि Realme 11 Pro 5G जो स्मार्टफोन है वो आपको 22,999 रुपीज की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F14 5G स्मार्टफोन भी देखने को मिल रहा है, जो कि 11,990 रुपए की प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है। Realme C55 जो स्मार्टफोन है वो 10,249 रुपए की प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है। Poco X5 5G जो स्मार्टफोन है वो 15,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर है। Moto G62 5G जो स्मार्टफोन है वो 14,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर है। Moto G73 जो स्मार्टफोन है वो 16,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर है। Redmi Note 12 5G जो स्मार्टफोन है वो 15,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर है। Vivo T2 X 5G जो स्मार्टफोन है वो यहां पर 13,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर है। Realme 10 जो स्मार्टफोन है 4G वाला वो यहाँ पर 12,500 रुपए की प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है। Redmi Note 12 4G जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर 12,000 रुपए की प्राइस पर है। Realme 9i 5G जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर 14,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर है। Infinix Zero 5G 2023 जो स्मार्टफोन है वो 14,500 रुपए की प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है। तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ स्मार्टफोन डील्स जो है वो इस सेल में अवेलेबल है, जो कि आपको बहुत कम डिस्काउंट के इसके साथ में देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर स्मार्टफोन्स पे आपको ज्यादा डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा है। डायरेक्ट वाला डिस्काउंट तो है ही नहीं, अगर आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो ही आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ऐसे में यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं सेल में एक नया स्मार्टफोन परचेस करने के लिए, तो मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा। ये सही टाइम नहीं है कि स्मार्टफोन परचेस करने का, क्योंकि अगले महीने बड़ी सेल आ रही है, जो कि है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल। और बिग बिलियन डे सेल में बहुत ज्यादा डिस्काउंट, तगड़ा डिस्काउंट होने वाला है, तो उस सेल के लिए स्टे ट्यून करना। और यहाँ पर जो भी स्मार्टफोन आपको लेना है वो आप अगली सेल में लेना, जो कि अगले महीने लगभग 23 सितंबर के आसपास में स्टार्ट होने वाली है। तो फिलहाल ये कुछ डिटेल है सेल के बारे में। आपका क्या ओपिनियन है, आप इस सेल में क्या परचेस करने वाले हैं, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों ये था उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को